हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पास मैं बच्चों के लिए आज बनाया है पास्ता लंच में ले जाने के लिए। तो शनिवार का वीडियो है। शनिवार को जैसे कि जंक फूड अलाउ रहते हैं बच्चों के स्कूल में, आप कुछ भी बना कर दे सकते हो, तो एनीथिंग कुछ भी। तो मेरे पास पास्ता रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पास पास्ता ही बना दिया है। और पास्ते की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ना बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा मैंने आज दिखाया नहीं है। तो अलग अलग तरीके से जितनी जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, कितनी बार मैंने पास्ता की रेसिपी, और मेरे पास ना थोड़ा सा सब्जियाँ भी कम थी। तो अगर कोई वीडियो शूट करते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ना हर चीज़ होना चाहिए, तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पास ना गाजर उजर मेरे पास ख़त्म हो गई थी, बस इसमें मैंने थोड़ा सा ना आलू ऐड कर दिया था, और साथ में शिमला मिर्च और प्याज टमाटर, बहुत सी सारी चीज़ें। थोड़ी बहुत सब्जियां और होती तो और अच्छा लगता है दिखाने में भी। और मैं ना बहुत बार तैयार भी कर चुकी थी, इसलिए फिर मेरा मन भी नहीं था, जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पास बना भी दिया। और एक गिलास पानी मैंने यहाँ पास गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा हनी डाल के अब चलते हैं पीने के लिए। तब तक मैं पास्ता ठंडा हो जाएगा और फिर फटाफट से बच्चों का लंच में पैक कर दूंगी। तो सुबह का ये 6 बजे का टाइम है, मैंने जल्दी ही बना लिया था। यहाँ पास मैं कपड़ा देख रही थी कुछ, तो सुबह का पानी गर्म था इसलिए बज गए हैं, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज दोनों का पेपर है तो दोनों बच्चों के गए हुए हैं, और बस चाय साय हमारी हो गई है। थोड़ा बहुत मैंने काम भी समेट लिया है हल्का फुल्का सा, और जैसे कि बिस्तर उस्तर नीचे डाल के रखी तो पूरा हटा दिया है, क्योंकि साफ सुथरा डेली करना पड़ता है सारा चीज़ हटा के। और थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं कल के, क्योंकि कल मतलब जो मैंने धुले थे जल्दी सूखे भी नहीं थे, तो शाम को निकाल के लेके आए थे, टोकरी पे पड़े हुए हैं, तो उनको भी फोल्ड करना है। और साथ ही साथ आज चलते हैं टीवी यूनिट को साफ करते हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ी बहुत करके कॉकरोच एक एक छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो टीवी यूनिट में ही मेरे ख्याल से कि बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और चीज़ें ना रोज़ निकलती भी नहीं है कि चलो रखो तो हो जाए, तो साफ़ भी करेंगे साथ ही साथ, हीट है अच्छे से मारेंगे भी, ताकि जो भी हो थोड़े बहुत कॉकरोच तो ख़त्म हो जाए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये खासकर ये वाली फटकी ये नहीं ज़्यादा यूज होती है, और इसमें ना बहुत सारा सामान भरा हुआ जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते हैं। और तो इसी को करना है, बाकी को तो ये सारे डॉर्स और ना साफ होते रहते हैं बीच बीच में, और इनको ना डॉर्स में डेली ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ सामान रखने की, निकालने की, ये यूज नहीं होता है। तो इसमें से चलिए छांटते भी हैं, जो सामान ख़राब होगा उनको निकल के फेंक भी देंगे, क्योंकि हम चीज़ों को रखते रहते हैं और उनकी चीज़ों की ज़रूरत कभी भी पड़ती भी नहीं है। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी से, और जैसे बताया कि जो कार्टून वार्टून खाली होंगे ना उनको फेंक दूँगी, क्योंकि कार्टून में ज़्यादा मेरे ख्याल से आ चीज़ें कॉकरोच वॉकरोच आते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, पहले फ़ोन को लगाते हैं ट्राईपॉड में, आप लोग बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी जो भी इसके अंदर का पूरा सामान है पहले निकाल लेते हैं। और सबसे पहले सारी चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था छोटे छोटे से कफ ग्लास के, मगर सच बताऊँ तो ना छोटे छोटे मैंने लिया था, वो कोई भी काम के नहीं है, देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे, मगर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो वो मैंने तो बस ले लिया था, बस ऐसे ही रखे हुए हैं, न तो मैं उनको फेंक सकती हूँ, क्योंकि फेंकने का भी कोई ऐसे, अगर आप अच्छी चीज़ खरीदते हैं अपने मन की तो उसको फेंकने का भी मन नहीं करता है। पर चलिए मैं सोच रही हूँ ना कि वो छोटे वाले जो कफ है उनको, जैसे कि मैं शॉर्ट्स वीडियो शूट करती हूँ तो वो छोटे छोटे मैं कटोरियाँ रखती हूँ, तो मैं अब उनके स्थान में अगर छोटे मोटे कुछ कहीं ना कहीं एक कफ को यूज करने लगूँ तो कम से कम इनका तो कुछ यूज होना चाहिए। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कैसे मैं यूज करती हूँ। और यहाँ पास मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, सबको मैं खोल खोल के ना चेक भी कर रही थी, काफ़ी दिन हो गया शायद मैंने इसको साफ़ किया हो, और थोड़े बहुत ना मुझे कॉकरोच भी दिख रहे थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पास साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा घर थोड़ा थोड़ा करके ना इन एक हफ्ते में पूरा साफ़ कर डाला है, क्योंकि अब फिर एक एक चीज़ साफ़ करो ना तो आराम से हो भी जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। जैसे कि एक दिन अब बेडरूम साफ़ कर लो, एक दिन बच्चों का रूम हो गया साफ़, तो ऐसे करके ना एक ही साथ पूरा घर ना क्लीन करके एक एक रूम आप लो तो ना, तो ऐसे में घर का भी बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लेडीजों को, क्योंकि पहले तो पूरा खाना पीना नाश्ता जितना भी घर का डेली का काम है
को करना ही पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम क्लीनिंग का काम भी पूरे घर का एक ही साथ करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल एक दिन के लिए हो जाता है और थकान भी हो जाती है। इसलिए एक एक रूम एक एक चीज़ आप क्लीन करो ना तो आसानी से साफ भी हो जाती है अच्छे से और मेहनत भी नहीं लगती। तो मैं यही कोशिश करते हैं, जैसे मैंने किचन अभी मैंने 2 दिन में मतलब किचन क्लीन किया था। पहले नीचे के जो सारे कवर्ड है मैंने 1 दिन साफ किया, फिर ऊपर के रैक सैक मैंने 1 दिन। तो ऐसे करके ही थोड़ी थोड़ी काम अपने करते रहो तो क्लीन भी साफ सफाई भी घर में बनी रहती है और थकान भी नहीं होती, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं क्लीनिंग के काम के अलावा। तो चलिए यहाँ पास मैंने सारे निकाल दिया है, पेपर ऊपर पूरा सामान निकाल दिया है और हीट है तो इसको भी अच्छे से पहले मैं छिड़क देती हूँ और इसको करीब मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और इसके बाद फिर अच्छे से साफ करने के बाद फिर इसमें पेपर ऊपर मैं जो भी डाल अच्छे से ना पेपर डाल के फैला के सारी चीज़ें फिर सुबह में मतलब वैसे ही रख दूंगी। तो चलिए यहाँ पास सारे में हीट मैंने छिड़क दिया है। इसके बाद मैंने करीब जैसे बताया कि 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, फिर अच्छे से मैंने एक कपड़ा लेके बढ़िया से पूरा क्लीन किया। ये जो भी है हीट अच्छे से साफ भी हो जाए साथ ही साथ ना पूरा क्लीन भी हो गया। इसमें मैं अच्छे से ना पेपर फोल्ड करके डाल देती हूँ और फिर सारी चीज़ें ना वैसे के वैसे मैं फटाफट से सारी चीज़ों को अच्छे से ना सेट कर दूंगी। कुछ प्लेट्स हैं मैं मतलब जो रखी हुई हैं काफ़ी टाइम से, मैं उनको निकालना भी है। कुछ कटोरियाँ रखी हुई हैं तो ये सारी चीज़ जो मतलब बर्तन निकालने हो मैं निकाल लूंगी, बाकी का अच्छे से क्लीन करके सेट कर दूंगी। कटोरियाँ मैंने 6 निकाल ली है, जो बड़ी वाली मेरे पास 2 सेट निकाली हुई हैं तो उसमें से 1 सेट बड़ी वाली कटोरियाँ मैं रख दूंगी, क्योंकि उतनी बड़ी कटोरियों की जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो बस 1 सेट 6 निकाली रहेंगी और जो बड़ी एक और सेट है रख दूंगी, इसलिए मैंने छोटी निकाल ली है 1 सेट की। कभी आवश्यकता पड़ जाती है जल्दी जल्दी में तो फिर चीजें रहती मतलब निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। सॉरी, तो बड़े सेट कटोरी रख के ये छोटी वाली मैंने निकाल ली है और बस इनको धुलाई कर लेती हूँ। साथ ही साथ बस मैंने कुछ प्लेट भी निकाल लिया है और इनको भी अच्छे से धुलाई करके सब मतलब बर्तन जितने भी हैं रख देती हूँ। इसके बाद जो मैंने प्लेट स्लेट निकाली धुलने के बाद यहाँ पास ना अब दोपहर की खाने की तैयारी चल रही है। आज मैं ना बनाने वाली हूँ जो मसूर होती है उसकी दाल, तो मतलब जो खड़ी वाली मसूर होती है इसको अच्छे से मैंने करीब 10 मिनट पहले भिगो दिया था। जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी उट्टी थी इसमें ना मैंने साफ कर लिया है और इसको अब रख देते हैं बॉयल करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने जो बताया 10-15 मिनट पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था, तो ज़्यादा पानी अगर दाल हम पहले से भिगो देते हैं तो फिर उतना ज़्यादा पानी उसमें पकने के लिए नहीं लगता है। बस नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दिया है। बस रख देती हूँ पकने के लिए। फटाफट से मैंने सारी इसके तड़के की तैयारी कर ली है, जब तक मैं दाल भी बन गई है। यहाँ बस कुछ हमने खड़े मसाले तेज पत्ते हो गए, छोटी इलायची बड़ी इलायची जीरा राई और लौंग और साथ में काली मिर्च, ये चीज़ डालने के बाद थोड़े टाइम मैंने उसको पकाया। इसके बाद इसमें लहसुन मिर्च और अदरक मैंने ऐड कर दी है, इनको भी अच्छे से पका लेती हूँ। साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया। हींग अच्छी लगती है दाल हो कढ़ी हो इन सारी चीज़ों में, हींगना का जो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद इसमें हमने जितना मुझे प्याज डालना था उतना मैंने क्वांटिटी के अनुसार से ना प्याज ऐड कर दिया। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से मैं इसमें गला ली हूँ और थोड़ा सा मैंने मसाला ऐड किया था धनिया जो मैं दिखाना साथ आप लोगों को भूल गई हूँ। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा ये पक जाने के बाद इसमें गरम मसाला। और इसके बाद यहाँ पास मैं फटाफट से लगा लेती हूँ लंच, तो मेरे अपने लिए और बच्चों के लिए, तो हम तीनों का लंच यहाँ पास लग रहा है दाल और साथ में है चावल। और ये दाल बनती है ना तो सबको पसंद आती है क्योंकि अच्छी लगती है खाने में। डेली ऑफकोर्स नहीं बना सकते, डेली कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मगर बीच बीच में आप 10 से 15 दिन में 1 महीने में बनाओ तो दाल अच्छी भी लगती है। इसके बाद खाना पीना हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी दाल थोड़ी सी चावल यहाँ पास बच गए हैं, तो ये सारा खाना निकाल के रख देती हूँ। दाल तो सबसे पहले मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि ख़राब ना हो, और ये दाल ना शाम को हम यूज कर लेंगे, चावल भी और दाल भी। तो मतलब चावल दाल आपको शाम को बनता ही है, अगर दोपहर में चावल बच जाता है तो फिर मैं रात में नहीं बनाती, बस वही चावल को अच्छे से ना फ्राई कर देती हूँ थोड़ा सा घी हींग डाल के, और उसको खाने के लिए वही हो जाता है, सर हींग नहीं घी डाल के और जीरा डाल के। और इसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स मैंने पहले ही साफ कर दिए थे, बस थोड़े से बर्तन हैं तो फटाफट से मैं साफ कर लेती हूँ। पूरा प्लेटफॉर्म का कचरा जोड़ा मैंने हटा लिया है और गैस ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, बस दाल चावल ही बना था, पर थोड़ा बहुत मैं पूरे प्लेटफॉर्म में ना एक बार हाथ मार देती हूँ तो जल्दी से साफ हो जाएगा। और फटाफट से ना लगे हाथ में बर्तन साफ कर लेती हूँ
और जो आज का किचन का काम है वो मेरा फिर होता है ख़त्म। तो जैसे मैं पहले बताई ना, बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस 3 प्लेट और 1 कढ़ाई, यही सारी चीज़ें थी। तो बस फिर इसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे शाम को, करीब 5:25 का टाइम था। तो यहाँ पास मैं रखूँगी चाय बनने के लिए, साथ में दूध भी आ गया था तो वो भी मैंने रख दिया है बकने के लिए। यहाँ पास ना मैं चाय पत्ती निकाल लेती हूँ, ख़त्म हो गई थी तो इसको निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं मतलब फुल कंटेनर नहीं निकालती जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, बस हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लूँगी। बाकी का जो एक्स्ट्रा चाय पत्ती है तो दूसरे कंटेनर में निकाल कर रख दूँगी, और जब आवश्यकता पड़ती है तो मतलब आप दूसरे कंटेनर से निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रख दी हूँ चाय बनने के लिए दूध, मतलब शाम का जो इवनिंग का काम है बस 5 बजे के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है चाय बनाना, कपड़े सपड़े वाला काम। तो चलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग को और नहीं खींचूंगी, बस मैं छोटा सा ही ब्लॉग बस यहीं पास ख़त्म कर दूंगी, और देखती हूँ आगे का इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करती हूँ या कल सुबह से स्टार्ट करती हूँ। तो मॉर्निंग से मेरा ये सैटरडे का ब्लॉग था, आपको थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लॉग शूट किया था, ज़्यादा नहीं। तो सुबह बच्चों का लंच, फिर दोपहर का, फिर इसके बाद इवनिंग की चाय, बस इतना ही आज मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। कभी कभी होता है कि वीडियो बहुत सारी बन जाती है, तो आज मैंने सोचा चलो डेली का तो मैं जो घर का काम है हर चीज़ दिखाती हूँ, मगर आज मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक एक चीज़ पूरे दिन का शूट करने की कोशिश करी थी। तो चलिए चाय बन गई है, आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, क्योंकि चाय तो मुझे लगता है हर किसी की फेवरेट होगी और सब लोग ना चाय को बहुत ही पसंद करते होंगे। इंडियन फैमिली तो खासकर चाय की एकदम से इवनिंग जिसे शाम होती है सबको सबको चाय ही चाहिए, सुबह उठते ही सबको चाय चाहिए। बस खत्म करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।